Hey everyone, welcome back to my breakfast blog. I hope all of you are doing well. तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कई दिनों से कि आप ना ब्रेकफास्ट की भी रेसिपी शेयर किया कीजिए. तो आज मैं ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बट आप इससे लंच में या डिनर में भी खा सकते हैं. बहुत ही अच्छी रेसिपी है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी मूंग दाल ली है, मतलब ये पीली छिलके वाली दाल है. उसे अच्छे से धो लिया है. उसके बाद मैंने इसमें 5 कटोरी पानी डाला है, मतलब 1 कटोरी मूंग दाल के लिए आपको 5 कटोरी पानी डालना है. साथ ही थोड़ा सा हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डाला है. उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर 1 विसल होने से पहले ही गैस को बंद कर देना है. मीडियम फ्लेम पे ही आपको लगाना है. इसी से मैं स्टफिंग बनाकर पराठे बनाने वाली हूँ. तो ये ना ज़्यादा पकनी चाहिए और ना ही ज़्यादा कम पकनी चाहिए. तो 1 विसल आने से पहले ही गैस को बंद कर देना है. तो एकदम परफेक्ट दाल पकेगी. तो अब लगा लेंगे पराठे का आटा. तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है और ग्रेट किया हुआ गाजर था ना, वो भी इसमें डाल देंगे. साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा तेल. और यहाँ पर मैंने ग्रेट करके गाजर को भी डाला है, तो मोन ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पर मैं 1 चम्मच जितना मलाई भी ऐड कर रही हूँ, तो मलाई से पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है. और अच्छे से इसको मिक्स कर ले, क्योंकि गाजर में बहुत सारा पानी होता है. ये पराठे इतने ज़्यादा टेस्टी, इतने ज़्यादा हेल्दी बनते हैं कि आप मतलब कहीं पर भी खा सकते हैं. इतने यम्मी बनते हैं, ट्राई कीजिएगा एक बार. और आटा एकदम आपको सॉफ्ट लगाना है, क्योंकि इसमें हमें स्टफिंग करके पराठे बनाएंगे. तो जब भी आप इस तरह के स्टफिंग वाले पराठे बनाइए, तो अपना आटे को सॉफ्ट लगाइए, ताकि भरने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. देखिए यहाँ पर दाल एकदम अच्छे से पक गई है. बस आपको इस तरह की ही दाल चाहिए, मतलब पानी और दाल दोनों अलग अलग होने चाहिए. मैं आपको यहाँ पर दबा के दिखाती हूँ ये किस तरह से एकदम अच्छे से पक गई है. लेकिन ये बिल्कुल भी गली नहीं है. अगर आपको इस तरह से दाल पकाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दाल को 2-3 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दीजिए. उसके बाद आप पतीली में डालकर उबालने के लिए रख दीजिए. तो एकदम परफेक्ट कुक होगी. मगर आपने कोई भी प्लान नहीं किया है और अचानक से आपको इस तरह के पराठे खाने का मन करता है, तो आप कुकर में इस तरह से दाल को कुक कर ले. अब बनाते हैं चटनी. तो मैं यहाँ पर चटनी बना रही हूँ. तो मैंने यहाँ पर 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 छोटा सा लहसुन और 1 तीखी हरी मिर्च गैस पर रखी है सेकने के लिए. तो जब भी मैं किसी भी रेसिपी में टमाटर यूज़ करती हूँ, तो आप लोग बहुत मुझे कमेंट करते हैं कि आपके यहाँ पर टमाटर का रेट क्या चल रहा है. तो अभी यहाँ पर मुझे 150 रुपये केजी टमाटर मिले हैं. आप लोग जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर टमाटर का क्या रेट चल रहा है, मुझे कमेंट करके बताना. तो अब चलते हैं चटनी बनाने की तरफ. जो टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह पक गए थे चटनी बनाने के लिए, तो इसके लिए मैंने सारी चीज़ों को छील लिया है. साथ ही में मैंने यहाँ पे धनिया लिया है और थोड़े से पुदीने लिए हैं. और धनिया के डंठल को मैंने नहीं हटाया है. और जब भी आप इस तरह से कभी भी कुछ पकाए, तो उसको धोए नहीं, क्योंकि जो इसका स्मोकी फ्लेवर होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा. सारी चीज़ों को काटकर मैंने यहाँ पर मिक्सी जार में डाल दिया है, जैसे कि प्याज, टमाटर, मिर्च, लहसुन, धनिया और पुदीना. साथ में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक. आपको यहाँ पर लगे तो थोड़ा सा पानी डालें और इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बनाइए, मतलब चटनी बनाइए. यहाँ पर देखिए चटनी की कंसिस्टेंसी कैसी है. और आपको चटनी थोड़ी खट्टी चाहिए, तो यहाँ पर आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं. ये चटनी आप किसी भी पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है. या पकौड़ों के साथ भी आप खाइए, तो एकदम स्मोकी वाला तीखा खट्टा टेस्ट आता है. तो अब चलते हैं स्टफिंग बनाने की तरफ. तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा जीरा, साथ में यहाँ पर थोड़ा सा हींग डाल देंगे. और लहसुन और मिर्च को जो मैंने कूट के रखा था, वहीं उसमें डाल देंगे. तो यहाँ पर थोड़ा सा पकाना है, ताकि लहसुन से है ना जो कच्चा फ्लेवर वो निकल जाए. ज़्यादा नहीं पकाना है. फिर यहाँ पे जो दाल है ना, उसे मैंने छान लिया था, मतलब पानी को अलग किया हुआ था, वो दाल इसमें डाल देंगे.
इससे है ना स्टफिंग का टेस्ट और स्ट्रक्चर दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। कुछ दाल एकदम मेसी हो जाती है, मतलब कुछ एकदम खड़ी खड़ी रहती है, तो बहुत ही अच्छा पराठे का स्ट्रक्चर आता है। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, और आधी चम्मच जितना गरम मसाला डाला है। तो इस तरह से स्टफिंग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको इसमें खट्टापन चाहिए तो आप इसमें ड्राई मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर मैंगो पाउडर नहीं डाल रही हूँ। पराठे के लिए स्टफिंग तैयार हो गया है, लेकिन मैं इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा सा तोफू ग्रेट करके डालूंगी। अगर आप तोफू की जगह पर पनीर डालना चाहते हैं तो भी चलेगा, या तोफू या पनीर दोनों को स्किप करना चाहते हैं तो भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पराठा बनेगा। कभी भी आप इस तरह से दाल के पराठे बनाते हैं और आपकी दाल ज़्यादा गल गई है, तो आप इस तरह से इसमें पनीर या तोफू डालकर इसका स्टफिंग अच्छे से ठीक कर सकते हैं। नॉर्मल से बेसिक पराठे बना रही हूँ, तो आटे की एक लुई ली है, उसको थोड़ा सा बेलकर उसके ऊपर 2 चम्मच स्टफिंग डाल सकते हैं, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। और आप भी इस तरह से पराठे ट्राई कीजिएगा, एकदम परफेक्ट बनेंगे। इसी तरह से स्टफिंग को अंदर की तरफ रख के आटे को ऊपर की साइड उठाते जाइए और उससे ऊपर बंद कर दें। अगर इससे ज़्यादा आटा जमा हो जाता है तो आप इसे कट करके निकाल सकते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और आप इसे मीडियम पराठे की तरह बेल लें। अगर आपको इस तरह से पराठे बेलने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप गोल वाले पराठे बनाते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है या बेलने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, फट जाते हैं, तो आप स्क्वेयर वाले पराठे भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बड़ी सी रोटी बनानी होगी और बीच में स्टफिंग भरना होगा और चारों साइड से आपको पराठे को पैक करना होगा। तो इस तरह से आप स्क्वेयर वाला पराठा भी बना सकते हैं। स्क्वेयर पराठे की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो पराठे के साथ चटनी सर्व करूंगी और थोड़ी सी लच्छा प्याज भी सर्व करूंगी। तो ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है हस्बैंड के टिफिन के लिए और बच्चों के टिफिन के लिए। तो मेरे इस कुकिंग ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।